हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंसा पर दिल्ली पुलिस को खूब सुनाया। कोर्ट ने कहा एक और 1984 नहीं होने देंगे। राज्य और केंद्र के नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा जब आपके पास भड़काने के वीडियो हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पूरे शहर के जलने का इंतजार था? कितनी मौतें और चाहिए? दिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने कहा भड़काऊ भाषण देने वाले सभी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दिल्ली की हिंसा में मरने वालों की संख्या 20 के पार पहुंची। 160 से ज्यादा घायल। आज भी कुछ जगह पत्थरबाजी हुई। दिल्ली के चांदबाग में दंगाइयों की पत्थरबाजी में आईबी कांस्टेबल की मौत हुई। अपने फंसे परिवार की मदद करने पहुंचे थे, बाद में नाले से मिला शव। दिल्ली हिंसा में शहीद हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत पत्थर से नहीं, गोली लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। आज सीकर पहुंचा रतन लाल का पार्थिव शरीर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज सुरक्षा कड़ी। जाफराबाद, बाबरपुर, खजूरी समेत कई जगह सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। दो दिन पहले जिस गोकलपुरी कार मार्केट में दंगाइयों ने आग लगाई, वहां अब भी कुछ दुकानें सुलग रही हैं। सुबह दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। यहां पर कोई व्यक्ति नजर ना आए, अभी तुम्हारे को प्यार से बताया जा रहा है, फिर सच्चाई से बताया जाएगा। सीलमपुर में दिल्ली पुलिस ने मुनादी की, एक महीने तक धारा 144, कोई नजर ना आए, अभी प्यार से, बाद में सख्ती से समझाएंगे। दिल्ली के जौहरीपुर में हिंसा के बाद तबाही का मंजर सामने आया। ड्रोन कैमरे में दिखी जली हुई दर्जन भर गाड़ियां, छत पर इकट्ठा किए पत्थर भी दिखे। हिंसा के लिए आलोचना झेल रहे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक आज बोले, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब शांति है, कड़ी सुरक्षा तैनात है। सीलमपुर, जाफराबाद और चांदबाग जैसे इलाकों में हिंसा की वजह से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। दुकानें बंद होने से दूध और खाने पीने के सामान की कमी। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA विरोधियों का प्रदर्शन जारी। हिंसा के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहां नारे लगे। शाहीन बाग के धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वार्ताकारों की बातचीत फेल रही, अभी आदेश नहीं देंगे, माहौल ठीक नहीं है, 23 मार्च को अगली सुनवाई। दिल्ली के खुरेजी में नागरिकता कानून के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस और सुरक्षा बल ने हटाया। 2 महीने से जारी था प्रदर्शन। दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर कल शाम से सील। गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे थे दंगाई। 3 किलोमीटर के दायरे में नोएडा में शराब भी नहीं मिलेगी। नोएडा में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा की वजह से कल होने वाली CBSE की 12वीं की परीक्षा भी टली। बाकी दिल्ली में एग्जाम होंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में NIA ने 6 जगहों पर छापेमारी की। आतंकी संगठन जैश से जुड़े कुछ संदिग्धों को पकड़ा। राजस्थान के बूंदी में बारातियों से भरी बस पुल से नदी में गिर गई। 20 से ज्यादा की मौत, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा। यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक प्राइवेट बस और बोलेरो कार की टक्कर में 5 लोगों की जान गई। केरल हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल करने पर लगाई पाबंदी। लगातार 4th दिन भी बाजार में गिरावट दर्ज। 392 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 119 अंक गिरा। चीन के वुहान में कोरोना वायरस के बीच फंसे भारतीयों को लाने के लिए 3रा विमान रवाना। दिल्ली से ग्लो मास्टर C-17 विमान भेजा गया। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।